जींद में एक बार फिर से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बुआ और फूफा ने अपनी भतीजी के साथ ऐसा काम किया है जिसे बताने में भी पीड़िता को शर्म आ जाए। दरअसल पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दी है कि उसके फूफा ने रात के समय गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी है। इतना ही नहीं, जब उसने ये बात बुआ को बताई तो बुआ ने उसकी मदद करने की जगह उससे सोने चांदी के गहने और 22,000 रुपए की नकदी छीन ली। 16 साल की किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। शिकायत आई थी हमारे पास कल, जिसमें कंप्लेंट ने बताया था कि मेरी भतीजी है जो अपने शिवा से, क्या नाम, सामन गांव से है, और सामन से वो चली गई थी 25 तारीख को। जो उस 25 तारीख को लड़की घर से चली गई, दो लड़की है नाबालिग, तो उसने कंप्लेंट बताई कि मैं अपनी लड़की की मतलब निर्जन की, वो निर्जन आए उसकी मदर के पास, वे लड़की चली गई हमारी और आपके पास आई है क्या, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास नहीं, वो लड़की है अपने अपने बराकुर्द गांव में, तो वो उसकी बुआ लड़की की तो बराकुर्द गांव में गई। उस लड़की ने उसको वहाँ से बातचीत की, लड़की ने बताया कि मेरे को ना जो मेरी बुआ है बरावाड़ी, वो दोनों वहाँ से ले आए थे, उनके साथ मैं आ गई थी और मैं घर से कुछ गोल्ड का सामान और कुछ पैसे लेके आई थी जो मेरी बुआ ने बरावाड़ी ने ले लिए थे, और रात को मेरे अपनी बुआ के पास रुकी तो मेरे फूफा ने मेरे को रात में साथ गलत काम किया और मुझे सुबह मैंने बताने की कोशिश की तो मुझे जान से मारने की धमकी भी थी, जिसमें उसकी बुआ की तरफ से कंप्लेंट आई है और केस रजिस्टर कर दिया गया है। लड़की का मेडिकल करवाया है, बयान करवाए 164 के, अब आगे की तफ्तीश जारी है। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं इसमें? पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है लड़की नाबालिग। बता दें कि पीड़िता रोहतक के एक गांव में रहती है और जींद के बराह इलाके में रहने वाले एक शख्स और उसकी पत्नी ऋतु के यहां गई थी, जो रिश्ते में बुआ और फूफा लगते हैं। वारदात को अंजाम 25 और 26 की रात को दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर केस तो दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।